हाय फ्रेंड्स, आप फूडी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी बिना प्याज लहसुन के। मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जीरा। जीरा पक गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिर्ची। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। मैंने 2 टमाटर लिए हैं। ये थोड़ा सा पक गया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी धनिया पाउडर। अब मैंने इसमें ऐड किया है कद्दूकस किया हुआ आलू। ये पके हुए आलू हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब मैंने इसमें ऐड किए हैं मखाने। मैंने 1 कटोरी मखाना ऐड किया है। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 कप पानी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पनीर। पनीर को मैंने कच्चा ही ऐड किया है, इसको भूना नहीं है। इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। इसको 7 से 8 मिनट धीमी आंच पे पकने देंगे। इसी तरीके से तीन से चार मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। और मैंने हरा धनिया ऐड किया है 1 चम्मच के करीब। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैं इसको और पकाऊंगी। ये देखिए सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब मैंने इसमें ऐड किया है दूध। मैंने 1 कप दूध ऐड किया है और 2 चम्मच दूध की मलाई या क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। ये सब्जी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए,
कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।